कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, सरजानी टाउन, कैदाबाद, मलीर, सफूरा कोट और सदर में बारिश हुई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक हवा का कम दबाव वस्ती भारत में है, जिसके तहत कराची समेत मशरकी सिंध में तेज बारिश का इम्कान है। 18 अगस्त तक कराची समेत मशरकी सिंध में बारिशों का इम्कान है, जबकि 17 और 18 अगस्त को शदीद बारिश हो सकती है, जिससे कराची के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। इस हवाले से एक शहरी का कहना था, कराची की यह हालत की आज से 2008 के बाद से आज तक यही कराची है और इसी में हम रह रहे हैं। किसी को इस चीज़ का लेना देना नहीं है कि हम कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं। कराची का जो हाल है, आपको एक गली, एक रोड बता दें जो कि प्रॉपर बना हुआ हो। बारिश के बाद की सूरत हाल से आवाम सख्त नाला है। हुकूमती अदम तवज्जो की वजह से सड़कों की हालत इंतहाई नागुफ्ताबा है। मुख्तसर बारिश के बाद जगह जगह पानी खड़ा होने से सड़कों पर गड्ढे पड़ गए हैं, जिसके बायस लोगों का पैदल चलना तक मुहाल हो गया है और गाड़ियां गड्ढे में धंसने के वाकयात हो रहे हैं। ख्याल रहे कि चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने बताया है कि बालाई सिंध में 19 अगस्त तक बारिशों का इम्कान है।